अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई फाइनली आज वो दिन आ गया, कल हमने भाई सवर और उनकी बेगम को इन्वाइट किया था, लेकिन उससे पहले हम काफी सोच रहे थे कि दावत करें। तो आज भाई हमारा प्लान है कि हम उनकी दावत करेंगे। तो दावत की अभी तैयारियां चल रही हैं, तो सबसे पहले क्या करना है हमने? सामान वगैरह आप लेके आए और मैं ये शीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, कमरा सही कर देती हूँ, मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, काफी दिन हो गए। और ये जो मम्मा ने गिफ्ट किए थे ये पर्सनली बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है। जाहिर है जो गिफ्ट मिलता है वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा करीब होता है। ये देखे मैंने ना ऐसे करके मैं रखती होती हूँ। कैसे, ये क्या है? ये बेड शीट है, ये ऐसे करके तकिए का कवर में डाली हुई है। अभी ये होता है ना कि जब धोके रखते हैं तो अक्सर मिलती नहीं है चीजें, कोई एक कवर गुम हो जाता है इस तरह। फिर मैं एक तकिए के कवर के अंदर ना बेड शीट और बाकी जो दूसरा कवर वो डाल देती हूं। अच्छा अच्छा, चले ये तो बड़ा समझदारी का काम किया है। वही तो मैं दिखा रही थी। तो चले भाई मैं भी साथ में हेल्प कर लेता हूँ, क्योंकि बेड शीट चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारी बेडशीट चेंज हो गई है। बेडशीट चेंज करने से कमरे की लुक जो है ना काफ़ी चेंज हो गई है। सामान मुझे बता दो जो जो चीज़ें लेनी है, तुम बाद में सफाई करती रहना, मैं सामान लेके आता हूँ। ऐसे करिए, कढ़ाई के लिए चिकन लेके आओ, ना बड़े बड़े पीसेज होने चाहिए। अच्छा, और पकौड़ों के लिए भी लेने हैं, और वो से क्या ना जैसे फिंगर चिप्स होती है ना उस तरह, मतलब ये इस साइज की उंगली जैसे कटिंग होनी चाहिए। पिछली दफ़ा किया था ना उसने ज़्यादा ही जैसे ना बिल्कुल ही छोटे छोटे चूरा चूरा कर दिया था, वैसे नहीं होना चाहिए, प्यारी प्यारी कटिंग होनी चाहिए। सही है। वो पकौड़ों के लिए होनी चाहिए, और बाकी जो प्याज वगैरह वो सारी चीजें पड़ी हुई है। अच्छा। अभी आप चिकन लें और थोड़ा सा दही भी लेते आइएगा कढ़ाई में डालने के लिए, बस इतनी चीजें। हाँ बाकी सारी बाद में ले लेंगे, अभी बाजार से तो यही मिलेगा ना। हाँ अभी टाइम 10:15 हुए है ना, इस टाइम तो होटलों पे भी कुछ नहीं बना होता, तकरीबन 12-1 बजे जाके काम स्टार्ट होता है। तो अभी भाई गोश्त वाले के पास आ गई हूँ, और मैंने बात सारी समझा दी है गोश्त का साइज किस तरह से रखना है। पहले जो कटाई हो रही है ना वो हो रही है पकौड़ों के लिए। हाँ ये सही है, अगर हमें मज़ीद छोटी भी करना पड़ी ना ठीक है तो हम घर कर लेंगे। हाँ सही है। तो ये भाई जो चीज़ें अभी बोली गई हैं वो मैं लेके आ गया हूँ, ये देखो। और इधर किरण बैठी तैयारी कर रही है, मसाले काट रही है, ये साथ में कोल्ड ड्रिंक, चिकन और दही। और मेरे लायक कोई काम है तो बताओ क्या? चिकन धोते। चिकन धोने से तुम्हारी बड़ी जान जाती है, चिकन धोने की बारी आए तो मुझे बोलती हो। अरे यार मैं खुद ही गए थे, काम बताओ तो तुम्हें बता रही हूँ। नहीं हमेशा मैं ही चिकन धो के देता हूँ, तुम्हें पता है। सिर्फ कल धोया था, पहले भी धोता हूँ। सिर्फ कल धोया था। चले भाई चिकन मैं धो के दे देता हूँ। पकौड़ों के लिए जो मैंने चिकन कटवाया था, किरण कहती है कि इसका साइज बड़ा है, मुझे अब बता दो इतना इतना कर दूं आधा आधा? दरमियान दरमियान से ना एक एक कट लगाते जाएं बस, मतलब ऐसे। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी इतने इतने सही है। पता नहीं अब कौन से पकौड़े बनाने जा रही हो, मुझे नहीं पता, ये ठीक है। वैसे पकौड़ों के लिए तो जो चिकन होता है वो तो बड़ा गोल सा काटते हैं, ये अच्छे लगेंगे ना, मुझे अच्छे लग रहे हैं ऐसे। चलो ठीक है देखते हैं। तो भाई मेरी आंखें आपको नजर आ रही होंगी, पर नजले से ना बुरा हाल हो गया। सुबह सुबह तबीयत ठीक थी, अब देखो तबीयत काफी खराब हो गई है। ये कोई ना एलर्जी होगी है मुझे, अचानक से खराब होता है। अभी देखें 10 बजे मैंने वीडियो स्टार्ट की है, 10 बजे मैं बिल्कुल ठीक था, और अब देखें 12 बजने जा रहे हैं और मेरी तबीयत की बुरी हालत हो गई है। तो अभी मैं लेने गया हुआ था दवाई, तो साथ में ये फिर फ्रूट्स वगैरह और दूध भी लेके आया हूँ, तो ये चीज़ें रख लो, मैं अपनी दवाई जो है वो ले लूँ।
अगर तबीयत सही ना हुई ना तो दावत का मज़ा नहीं आना, क्योंकि तैयारियां सारी मैंने ही करवानी है। ऐसे ही है ना, हंस रही हो तो जाहिर है मैंने चीज़ें ले आनी है। सही बात है, कोई कदर ही नहीं है यार। मैं कदर कर रही हूँ, बल्कि मैं टेंशन में आ गई हूँ जब से मैंने देखा ना आपकी आंखें ऐसे रेड हो गई हैं। ये चेहरा खिलखिला उठा, इसे टेंशन कहते हैं? ये तो आपको नजर आ रहा है, मैं टेंशन में हूँ। बुरी हालत हो गई है। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है, या गर्मी है ज्यादा? आज गर्मी भी बहुत ज्यादा। अक्टूबर के पहले 4-5 दिन जो है ना, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे अब सर्दियां आ गई हैं, हम तो बड़े खुश हुए थे, लेकिन आज काफी ज्यादा गर्मी है। और ऐसे बाहर निकलता हूँ तो बड़ी उलझन सी होती है गर्मी की वजह से। नजरे का आराम आ जाए ना तो उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी देर करने लगा हूँ रेस्ट, क्योंकि मेरा नाक जो है ना बह रहा है। तो हमने चीज़ें घर में पकानी है, उसके लिए सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। और सबसे पहले क्या पकाने जा रही हूँ? सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ खीर। अच्छा, मीठे में होना चाहिए कुछ ना कुछ? ना कुछ होना चाहिए, तो वो मैं बहुत ही इजीली, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी बन जाए, तो मैंने यहाँ पे लजीजा की खीर ली है। ये काफ़ी रहेगी हमारे लिए? हाँ, ये काफ़ी होगी, बस टेस्ट ही करनी होती है। हाँ। मीठा आखिर पे मुंह मीठा करना होता है, बस टेस्ट। चलें, ये ठीक है। और साथ मैंने लिया है 1 लीटर दूध। सबसे पहले दूध को मैं उबालूंगी, तो उसके लिए फ्लेम जो है उसे ऑन कर दूंगी। यार कल जाना है, हमने चूल्हा ठीक करवाना है। बिल्कुल, ये बहुत दिन हो गए, बहुत लेजीनेस दिखा ली है मैंने, और अब जो है ना ये वाला चूल्हा ठीक करते हैं। एक हमारे पास ये वाला है ना चूल्हा, हमारा काम हो नहीं पाता जल्दी। अगर यहाँ अब ज्यादा होते चूल्हे, मतलब 2-3 होते, तो काम करना काफी आसान हो जाता। मतलब अब साथ में हम खीर भी बना लेते और बाकी भी काम साथ में हम कर सकते थे। तो ये वाकई बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये जल्दी करवाना पड़ेगा, इतना काम इजी हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। हमारे पास चूल्हा भी है, बस सुस्ती यही है कि हम इसको लेके जाके ठीक नहीं करवा सके। दूध उबलना शुरू हो गया है, तो अब जो खीर मिक्स है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और साथ ही चम्मच चलाते रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है ना ठीक हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है, और ये देखिए ठीक होना शुरू हो गई है। मैं इसे इतना ही ठीक करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा पकाया ना तो जब ये ठंडी होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो फाइनली भाई, जो चीज़ें हमारी बाकी रह गई थी वो भी मैं लेके आ गया हूँ। इधर देखो, शपर भर के ले आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या क्या लाए वैसे? तो भाई इसमें आज काफ़ी कुछ है। इसमें पुलाव है, चिकन लेग पीस है, शामी कबाब है। लास्ट टाइम हम थोड़ी लेके आए थे, ज़रा इस दफ़ा देखो मैं काफ़ी ज़्यादा डब्बे लेके आया हूँ, पूरा शपर भरा हुआ डब्बों से। और उसके बाद इधर हैं दही भल्ले, ये देखो ये काफ़ी है। हाँ, ये ठीक है, साथ रायता, और साथ में रायता भी है और सलाद भी है। बाकी घर में सलाद बनाना है तो वो बना लो। सालन बन गया है, सालन भी माशाल्लाह बन गया है। आज असल में हम दोनों ही बीमार थे, ऐसे ही ना, मुझे भी हल्का हल्का बुखार, नज़ला तो अखीर लेवल का हो गया, और किरण की तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो इस वजह से ना हम काफ़ी ढीले रहे आज। अभी देखें 4 बज चुके हैं, और हमने उनको इनवाइट किया हुआ था तकरीबन 5 बजे का, तो अभी हमारे पास 1-1.25 घंटा है, तो हमने सारी अरेंजमेंट्स अभी तक करनी है। तो पकौड़े बना लो जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है ना सर्विंग डिशेज में डालते हैं और टेबल पर लगाते हैं। तो भाई मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो चुका है, और हमारे लॉन में छांव भी आ चुकी है, तो हमारा प्लान है कि आज हम यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स करेंगे। तो इन अरेंजमेंट्स के लिए सबसे पहले मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए जो हमारा अंदर पड़ा है, और साथ वाली चेयर्स। और मुबशर को मैंने बुलाया इसीलिए कि ये मेरे साथ निकलवाएगा आज, इंशाल्लाह डिफरेंट लुक होगी, बाहर पार्टी हो रही है आज, बाहर पार्टी करने लगे। तो ये सारी चेयर्स जो है ना निकालनी है, चेयर निकालो कि पहले। तो ये देखें भाई, टेबल हमारी यहाँ पे आ चुकी है, और अब चेयर्स सेट कर लेते हैं। मज़ीद अगर कोई चेयर वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो वो हम रख लेंगे, लेकिन हमारा सेटअप जो है ना माशाल्लाह काफ़ी प्यारा बन गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त, एक न्यू लुक है, और बैकग्राउंड में यहाँ पे बैठ के खाने की जो विश है वो भी पूरी हो जाएगी। बैकग्राउंड भी काफ़ी खूबसूरत आ रहा है।
तो भाई एहतियातन ने एक चारपाई भी यहाँ पे लगा दी है, जो बच जाएंगे वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। बस सीटिंग हमारे पास लिमिटेड सी है, 6 चेयर्स वाली। इधर अब्बा जी बैठे हैं, तो सबसे पहले अब्बा जी को इनवाइट करते हैं। भाई पार्टी हो रही है, मुंह हाथ धो लें, दांत तेज कर लें। जेड़े भी इन तेज कर लो, दांत आखे है ना, जेड़े भी इन तेज कर लो। हाँ जी, मैं लाया हूँ। इधर वसीम बैठा है। तो भाई हमने एक बहुत बड़ी सारी पार्टी की है, तो दांत शांत तेज करके आ जा। किस खुशी है? ऐसे ही दिल खुश हो गया तो मैंने कहा हम पार्टी कर लेते हैं। और बाकी सबको भी मैंने बोल दिया है, जिनके लिए स्पेशली पार्टी की गई है उनको भी बता के आता हूँ। तो भाई स्पेशली जिनके लिए पार्टी अरेंज की गई है, बस कर दे, बस कर दे। थका हुआ हूँ सारा दिन का, वो थका हुआ हूँ, टाइम गलत चल रहा है। 4:30 बज चुके हैं, तो वादे के मुताबिक हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। भाई खाना शाना खाया था आज? देखें किचन जो है ना बिल्कुल रूखा सूखा पड़ा है। एक बोटी 2 हफ्ते पहले मैं बनाई आई, फ्रिज में रखी हुई थी। तो चले भाई, पार्टी जो है तैयार हो चुकी है। अच्छा। खाने पीने की जो सारी चीज़ें आ गई हैं, और जो बनानी थी हमने बना ली। तैयारी वट के आ जाओ, दंत शांत तेज कर लो। हाँ, इसलिए ना नए बनवाए थे। हाँ, नए बनवाए थे ना, वो आज मैंने उनको रिपेयर के लिए मतलब रीचेकिंग के लिए जाना था डॉक्टर के पास। तो पहले मैंने कहा नहीं, पहले मैं खा के बैठा अलाइनमेंट चेक कर गया, अलाइनमेंट चेक करा गया। इधर यहाँ पे टेबल भी मैंने लगा दी है, और मैंने ये एक्स्ट्रा कुर्सियाँ भी मंगवा ली हैं। और इधर अम्मा जी भी आ गई हैं सेटिंग्स देखने के लिए। आज तो शादी वाला माहौल बना दिया ना। हाँ जी, इंतज़ाम भी इसी हवाले से हमने किया था, भाई शाम को हम मिल के बैठ के खाएंगे। तो अब देखें माहौल कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए हमारे पकौड़े भी माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, और अभी यहाँ पे कुछ इसके लिए मसाला हमारा पड़ा भी है। तो काफ़ी देर हो चुकी है, कुकिंग हमने कर दी है स्टॉप, और जो चीज़ें अब हमारे पास हैं अब वो ही सर्व करेंगे। मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास हैं, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो हमने सोची थी। तो चलें भाई, अभी हम पुलाव निकाल लेते हैं, और ये देखें शामियां आ गई साथ में। और इधर हमारे पास चिकन लेग पीस, माशाल्लाह सॉफ्ट। और इधर हमारे पास मजीद अभी एक डब्बा पड़ा भी है पुलाव का, वो भी इसमें डाल लो, वो बाद में डालेंगे ना अभी ये। चलें, वो हमारा बैकअप पे पड़ा है भाई। ये ट्रे हमारा फुल हो चुका है, शामियां भी किसी ट्रे में डाल लो या किसी प्लेट वगैरह में डाल लो। इधर इधर, हाँ जी हाँ जी। तो चलें भाई, कुछ रखना है तो उठा के रखो बस जी, आप बैठे जाके। अब तो हमने कर लिया, कर लिया, पक्का कर लिया। तो चलें भाई, खाना अभी बाहर लगाना स्टार्ट करते हैं। इधर रही शामियां, और ये रही बिरयानी। सब लोग आ चुके हैं, और कुछ लोग मिसिंग भी हैं, वो अपने अपने काम में बिजी हैं, उनके लिए हम खाना रख लेंगे। तो भाई खाना स्टार्ट करें, और आज बताएं भाई खाना कैसा है। आज आइटमें पूरी हैं, खाना भी पूरा है। आज हम अपने वीडियो में रिव्यू देंगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखें भाई, कुछ इस तरह से हमने सेट की है दावत, हमने अपना हथियार रखा हुआ है। आप खत्म करेंगे, हम उसका रिव्यू शुरू करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने दावत की थी तो आपको पता है कि हमें काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा था। फिर हमने उस तनकीद से सीखा है, वो देखें भाई सामने। मैं सारी आइटमें आपको गिनवा देता हूँ, और क्वांटिटी भी दिखा देता हूँ कि कितनी कितनी है। ये तो हम अपने आँख से देखेंगे तो पता चलेगा ना। तो वो भैया चिकन बिरयानी देख ले, देख ले या कैमरे की आँख से। तो खुश कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, बस अपना दिल खुश। बस हम अपनी ऑडियंस पे बात छोड़ देंगे, कमेंट्स में बताएंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे भाई। आज हमने सारा दिन मेहनत की है, सुबह 10 बजे से 5 बज गए हैं। तो मेहनत मजदूरी की है, तो भाई मेहनत मजदूरी अगर मेरी बेगम होती ना, हाँ ये 2 घंटे में सारा कुछ कर देती। भाई आप लोग एक्सपर्ट हो, अभी हम नए नए सीख रहे हैं चीजें।
गुड भाई गुड गुड। ये होता है कि दावत बनाते रहो हर तीसरे चौथे दिन आप हम एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं उन्हें मशवरा देखो कैसा दे रही हूँ, हमारा करते रहो हर तीसरे चौथे दिन एक्सपर्ट। हमारा असल में चूल्हा खराब है, हमने वो ठीक करवाना है इंशाल्लाह तो फिर जल्दी। बच्चों बच्चों वाले आपका काम है ना, आपने अभी फील नहीं करना, महसूस नहीं करना कि भाई मेरी बेइज्जती तो नहीं हो रही है। नहीं नहीं माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त। आपने बहुत देखो आपने दिल से ये किया, हम आपके पूरे रोमन में बराबर का शरीक है। क्योंकि तो जारी बात बंदा रो रो के काम कर प्याज काटते हुए रोते हैं। इधर अम्मा जी और अब्बा जी। हाँ जी खाना तो बाद में, पहले देख के बताएं सारी चीजें पूरी है ना। बड़े डेकोरेशन पीस रखे हैं। बड़ी खुशी हुई है मेरी निक्की बहू अकेले यहां पकाने सब कुछ। हां जी बिल्कुल ये बड़ा भाई गल आ गई है खाना अकेले बनाया हमने, देख ले अकेले। और ऊपर से ये कि आपको एक नई डिफरेंट लोकेशन दी है। वाह 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 कैसा। हाँ जी अब कुछ और यहाँ पे माहौल डेकोरेट करते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही है नेक्स्ट, और सर्दियों में फिर हम बाहर आराम से बैठ सकते हैं। पुराने कपड़े नहीं, ये पुराने कपड़े हैं। हाँ जी एक लकड़ सारे। फाइनल आपको टच दे दूँ क्या क्या चीजें हमने तैयार की हैं। बिरयानी, खीर, शामी कबाब, दही भल्ले, फ्रूट्स, रोटियाँ, कोक, पानी, पकौड़े, रायता और इधर चिकन का सालन। ये देखिए और भाई आज बैकअप में भी चीजें पड़ी हैं, टेंशन नहीं लेनी। जल्दी जल्दी खा। माशाल्लाह पार्टी हमारी हो चुकी है, सब लोग चले गए हैं खा पी के। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा रहा। तो होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।